तेलंगाना राष्ट्रम नुंचे श्रीमती सोनिया गांधी गारु कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली लोकसभा सांसद सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच तेलंगाना से बड़ी खबर सामने आई है। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी तेलंगाना के खम्मन सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तेलंगाना प्रदेश कमेटी ने हाल ही में सोनिया गांधी से राज्य से लोकसभा चुनाव लड़ने का अनुरोध किया था। इसको लेकर अब नई जानकारी सामने आई है। पार्टी की तेलंगाना यूनिट चाहती है कि सोनिया गांधी खम्मन सीट से चुनाव लड़ें। तेलंगाना कांग्रेस ने इसके लिए पार्टी आला कमान के पास आधिकारिक प्रस्ताव भी भेजा है। हालांकि इस प्रस्ताव पर गांधी परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसके अलावा सोनिया गांधी के तेलंगाना की मेडक नलकोंडा जैसी सीटों से भी चुनाव लड़ने की चर्चा है, लेकिन पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उन्हें खम्मन सीट से मैदान में उतारने पर गंभीरता से विचार चल रहा है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लगता है कि सोनिया गांधी के तेलंगाना से चुनाव लड़ने से पार्टी को सभी सीटों पर ज्यादा फायदा मिलेगा। हालांकि पार्टी में एक वर्ग ये मानता है कि राहुल गांधी पहले ही दक्षिण भारत के केरल के वायनाड से सांसद हैं। अगर सोनिया गांधी भी दक्षिण भारत से लड़ती हैं, तो इससे उत्तर भारत में अच्छा संदेश नहीं जाएगा और बीजेपी को खुला मैदान मिल जाएगा। इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा था कि 15 फरवरी तक प्रदेश के सभी कैंडिडेट्स को फाइनल करने का काम पूरा कर लिया जाएगा। तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर इसका निर्णय किए जाने की उम्मीद है। प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मीटिंग के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएम ने बीजेपी और बीआरएस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी और बीआरएस में कोई फर्क नहीं, दोनों पार्टियां एक हैं। चुनाव समिति की मीटिंग में डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क भी मौजूद रहे। बता दें कि 2019 के आम चुनावों में सोनिया गांधी ने रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। वहीं प्रियंका गांधी फिलहाल न तो लोकसभा की और न ही राज्यसभा की सांसद हैं। देश की 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होने हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी कहा कि सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी में से कोई एक देश की सीट से राज्यसभा जा सकता है। इस बीच तेलंगाना कांग्रेस ने सोनिया से अपील की है कि राज्य की राज्यसभा सीट से चुनाव लड़ें। अगर सोनिया राज्यसभा जाती हैं, तो अटकलें हैं कि प्रियंका रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं।